नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कैसे कटहल के छिलके आसानी से निकालें और लंबे समय के लिए इन्हें कैसे स्टोर करें वही बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने एक कटहल ले लिए हैं और कटहल बिल्कुल फ्रेश लेंगे, कच्चा लेंगे, पका बिल्कुल नहीं होना चाहिए कटहल। आप देख सकते हैं ये बहुत फ्रेश है। तो चलिए इसे काटते हैं, देखते हैं किस तरह का है ये। और हाँ, काटने से पहले हाथों और चाकू में तेल लगा लीजिएगा तो हाथ में चिपकेंगे नहीं। और देखिए बहुत ही फ्रेश कटहल है। तो अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं ताकि हमें छीलने में आसानी हो। आप स्टोर करने के लिए कटहल बाहर से छिलवा कर लाते हैं उसे भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। और बाहर से भी लाते हैं तो हम एक बार अपने घर में छिलते नहीं हैं, तब तक तो मन मानता नहीं है। तो आप इस तरह से कीजिएगा तो बहुत ही आसानी हो जाती है। देखिए छोटे छोटे टुकड़े में कर लिए हैं, अब हम इन्हें बहुत आसानी से छिल सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो इसका पहले डंठल निकाल लेते हैं, ये डंठल का भाग है, और इस तरह से आसानी से छिल जाते हैं। आपको जिस तरह से सुविधा हो, चाकू से अथवा हंसिया वगैरह होते हैं उससे। तो अब ये छिल गए हैं, अब इन्हें एक बर्तन में पानी डालकर और इन्हें रखते जाएंगे। सभी को छिलकर ऐसे ही रखेंगे। तो मैं एक और छिलकर आपको दिखाती हूँ। और आगे जो मैं बताने जा रही हूँ छिलका उतारने का कटहल का, वो तो और बेहद आसान है। अब हम इन्हें सारे कटहल को पानी में इस तरह से धोकर और इसे छान लेंगे इन पानी से। और आप देख सकते हैं इसका पानी कितना व्हाइट हो गया है, कटहल में दूध था इसके कारण से। तो साइड में रखते हैं कटहल को और पानी को फेंक देते हैं। अब गैस की तरफ चलते हैं कटहल उबालने के लिए। तो कुकर में मैंने सारे कटहल को डाल लिए हैं, जिसे मैंने छीले थे और जिसे नहीं छीले थे दोनों रख लिए हैं। और एक कप इनमें पानी डालकर कुकर में 2 सीटी आने तक इन्हें पका लेते हैं। तो 2 सीटी आ चुके हैं कुकर में, गैस ऑफ कर देते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं। फिर कटहल को कुकर में से निकाल लेंगे। तो देखिए कटहल को मैंने निकाल लिए हैं ठंडा होने के बाद, और इन्हें एक छलनी में निकाल कर रखे थे कुछ देर के लिए ताकि पानी इससे निकल जाए अच्छी तरह से। तो ये ड्राई हो चुके हैं और मैंने सारे कटहल को छील लिए हैं। और एक कटहल मैं आपको दिखाती हूँ छिलकर कि उबालने के बाद छिलने में कितनी आसानी हो जाती है। और तो ये देखिए कितनी आसानी से छिलका उतर रहा है और हाथ में भी चिपचिप वगैरह नहीं लगेंगे। तो आप इस तरह से कीजिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको। अब हम इन्हें चाहे तो इस तरह से पीस पीस में काट कर भी स्टोर कर सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं और निकालेंगे जब यूज करने के लिए तो काट सकते हैं अपने मनपसंद पीस में। तो आप चाहे तो जैसे भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे काट लीजिए या ऐसे रखिए, आपकी मर्जी है। लेकिन स्टोर करने के लिए इसी तरह का कटहल लीजिएगा, इससे ज़्यादा पका हुआ कटहल जल्दी बिगड़ जाते हैं, बहुत दिन लंबे समय के लिए नहीं चलते हैं। ये बहुत परफेक्ट है स्टोर करने के लिए। अब इन्हें हम इस तरह के पाउच में भर कर रख लेंगे या कोई एयर टाइट डब्बा में भर कर रख सकते हैं, और इस तरह से सैलो फ्राई करके भी पाउच में रख सकते हैं। जब हम सब्जी बनाए तो कुछ देर पहले हम इन्हें निकाल लें और ग्रेवी बनाकर सब्जी में डायरेक्ट डिप कर सकते हैं इस पाउच में से निकाल कर कटहल को। तो आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही इजी हो जाती है ऐसा करने से। और इन्हें फ्रिज में रखकर 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं। और फ्रीजर में रखेंगे तो बहुत लंबे समय के लिए, कभी 6 महीना 7 महीना से भी ज़्यादा चल सकते हैं। तो आप इस तरह से कुछ कटहल को स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीजर में, और जब ऑक्सीजन हो तो आप इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। और जब तक ये फ्रेश मिलते हैं तब तक आप खूब मात्रा में फ्रेश ही खाइए, क्योंकि जितने हेल्थ बेनिफिट फ्रेश में मिलेंगे उतने फ्रोजन में नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरह से कटहल को स्टोर कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।